दोस्तों, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, लेकिन नेचर पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकता। वो चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन कुदरत के कहर के आगे वो हमेशा बोना ही नजर आएगा। यकीन ना हो तो हमारा आज का ये वीडियो देख लीजिए। हमारा दावा है कि इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कुदरत के कोहराम के आगे बड़े बड़ों की हालत खस्ता हो जाती है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें, ताकि उनको मिलते रहें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल फिनोमिना पार्ट 10। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि चीन के एक विनाशकारी बवंडर के आने से पहले की शांति का दृश्य है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। देखिए कैसे लाखों टन रेत वाला यह बवंडर पूरे शहर को अपने आगोश में समेट ले रहा है। ये वीडियो क्लिप ये साबित करने के लिए काफी है कि इस बवंडर की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। इतनी जोर का तूफान, सच कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता तो कोई यकीन नहीं करता। दरवाजों को जोर से पकड़े ये बंदे नहीं चाहते कि ये बवंडर उनके घर को तहस नहस कर दें। ये मंजर देखकर आप भी कह देंगे कि आज से पहले हमने कुदरत के ऐसे मंजर पहले नहीं देखे। कुदरत का कोहराम तो देखिए, खुली आंखों से देखने के बावजूद विश्वास नहीं होता। टॉर्नेडो प्रकृति का ऐसा भयानक रूप है जिसकी चपेट में आने से पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। गलती से कैमरा चालू रह गया था और देखते ही देखते कुदरत के कोहराम के वीडियो उसमें कैद हो गए। ये कुदरत की मनमर्जी नहीं तो और क्या है। यहां समंदर का पानी खुद को टॉर्नेडो में तब्दील करने की तैयारी में जुटा है। हे भगवान, कुदरत का ऐसा विनाशकारी रौद्र रूप इससे पहले आपने शायद ही देखा होगा। यहां प्रकृति के प्रकोप से घबराई लड़की खुद को भूकंप से बचाने की नाकाम कोशिशें करती नजर आ रही है। जिन इमारतों को बनाने में सालों की मेहनत लगती है, उसे एक ताकतवर भूकंप एक सेकंड में नेस्तानाबूद कर देता है, कुछ इस तरह। आकाशीय बिजली कितनी ताकतवर हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस छोटी सी वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं।
यहाँ आसमानी बिजली के एक सेकंड के वार ने बरसों पुराने इस पेड़ के चिथड़े चिथड़े कर डाले। ये लड़की खुशकिस्मत निकली जो कुछ मीटर की दूरी से मौत को चकमा देने में कामयाब हो गई। प्रकृति के प्रकोप की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। अरे दूसरी मशीन बुला लो। जब कुदरत को गुस्सा आता है तो सिर्फ उसी की मनमर्जियां चलती हैं। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। अबे चला ले भाई तू यार। लैंडस्लाइड इतने भीषण होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को निगल जाते हैं। तू भाग रहे देख लाडू, सब भाग रहे। बस इसलिए कहते हैं कि कुदरत से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब नेचर नाराज होती है तो किसी को नहीं छोड़ती। इशिवाका में भूकंप के बाद हुई लैंडस्लाइड ने कुछ ऐसी दहशत फैलाई। मदर नेचर की नाराजगी का एक और मंजर देखिए, यकीनन आपका दिल दहल उठेगा। ये बाढ़ अपने साथ जंगल की लकड़ियां बहा लाई हैं। जंगल के रास्ते जब बाढ़ ने शहर में एंट्री ली तो पूरे शहर में तबाही का तांडव मचा दिया। ये मंजर हर किसी को परेशानी में डाल सकता है। इटली में एक रेस्टोरेंट में सभी कर्मचारी मिलकर भी बाढ़ के पानी को भीतर आने से रोक नहीं पाए। यहां इस बाढ़ ने इस घर को पल भर में ही पानी पानी कर डाला। उफ, कुदरत का गुस्सा, तौबा तौबा। बाढ़ का पानी इतनी ताकत से शहर में आया कि उसके सामने जो भी आया उसे बहा ले गया। नेचर का ऐसा रौद्र रूप देख रूह कांप जाएगी। कुदरत का ये मंजर देख सन रह जाओगे। बाढ़ ने इस ब्रिज को भी ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया। जब जब इंसान जंगलों पर कब्जा करेगा तब तब कुदरत ऐसी ही तबाही मचाएगी। कुदरत को गुस्सा आता है तो हजारों लोगों को बेघर कर देती है।
कुदरत के कोहराम के आगे कोई नहीं बच पाया। बाढ़ के पानी में खिलौनों की तरह तैरती यह कार इसी बात को साबित करती है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में लगी आग कुछ ही देर में यहां के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, जिसके बाद लोगों को वहां से भागकर जान बचानी पड़ी। जंगल में पसरी ये आग देखकर लगता है जैसे इंसानों से नाराज नेचर खुद का गुस्सा खुद पर ही निकाल रही है। कुदरत को गुस्सा आता है तो कितनी तबाही मच सकती है ये पहले कोई नहीं बता सकता। पश्चिमी ग्वाटेमाला में क्वेट्जाल्टेनांगो शहर के पास सेंटियागुइटो ज्वालामुखी का फटना प्रकृति के गुस्से का एक डरावना रूप है। ये प्राकृतिक घटनाएं किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। ज्वालामुखी विस्फोट कुदरत के गुस्से का एक सबसे भयानक रूप है। मदर नेचर का ऐसा गुस्सा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ओ माय गॉड, ये खोलता हुआ मड वॉल्केनो कुदरत के कहर की एक वानगी भर है। चीन के शांकी प्रांत में जुफेंग पर्वत में इतनी ठंड पड़ी कि हवा और कार तक जम गई। उत्तरी सुमात्रा के इंडोनेशिया में आए भूकंप ने सड़कों को निगल लिया। ओलों की तरह इस बारिश को कुदरत द्वारा गुस्सा दिखाने का एक तरीका कहा जा सकता है। रेगिस्तान में ओलों की नदी का बहना सैकड़ों सालों में एक बार घटने वाली घटना है। कुदरत की नाराजगी कुछ इस तरह भी दिख सकती है। हिमस्खलन का यह मंजर किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी होगा। आपका क्या कहना है? हिमस्खलन के इस प्रकोप से कारें तक नहीं बच पाई। और ये टूटा बर्फ का विशालकाय पहाड़, लगता है आज फिर तबाही आएगी। यहां तो यह आइसबर्ग पूरा का पूरा ही पानी में उल्टा हो गया। आइए अब आपको धरती में सिंक होल बनने का यह नायाब वीडियो दिखाते हैं। ये देखो रे दादा, रे दादा लाइव बना दिया यार, लाइव। हर जाओ कहां तक जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।